इनकी वैशी आना, बुजदलाना, कायराना, दहशत गर्दी की हरकतें जम्मू कश्मीर में बड़े लंबे अरसे से चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के नरवाल में 20 जनवरी 2023 को दो IED बम लगाए गए थे, जिसमें से एक 21 जनवरी को ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को खाली करा दिया। 11 दिन की कड़ी मशक्कत करने के बाद अब जाकर सुरक्षा बलों ने रियासी के रहने वाले आतंकवादी आरिफ मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। आरिफ 2010 में रहबर ए तालीम स्कीम के तहत शिक्षक बहाल हुआ था, जिसे 2016 में नियमित कर दिया गया था, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान में बैठे लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों के संपर्क में था। धमाके के बाद उसको पैसे भी दिए गए थे। सरकारी स्कूल टीचर आरिफ के पास जिस तरह का बम मिला है वो बहुत ही विचित्र तरह का था, जो दिखने में एक परफ्यूम की बोतल जैसा दिखता था, जिसे कि स्प्रे करने पर वो ब्लास्ट हो जाता था। जम्मू कश्मीर पुलिस का भी कहना है कि घाटी में पहली बार इस तरह का बम मिला है। आरिफ ने पाकिस्तान में बैठे लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी कासिम के साथ खुद के संबंध होने की बात मानी है। आरिफ ने बताया कि उसने मई 2022 में कटरा बस धमाके को भी अंजाम दिया था। बस श्रद्धालुओं को लेकर वैष्णो देवी जा रही थी। इस धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 22 लोग जख्मी हो गए थे। इस बदनामी के दाग उनके चेहरे पे इतने लग चुके हैं कि अब वो छुपाए भी नहीं सकते, और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ये बदनामी के दाग जगह जगह चर्चा में आ रहे हैं। इसी तरह की इनकी वैशियाना, बुजदलाना, कायराना, दहशत गर्दी की हरकतें जम्मू कश्मीर में बड़े लंबे अरसे से चल रही हैं। यहां पर बेगुनाह लोगों को अपने कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है, और जहां का जो आपसी भाईचारा है लोगों का अक्रॉस द रीजन्स, अक्रॉस द रिलीजन्स, अक्रॉस द कम्युनिटीज, उसको किसी न किसी सूरत में धक्का पहुंचाने की, ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है।